चीजों पर जो है मुंबई All पुलिस right, Nitish, बारीकी से stay जाती with us. We have another development coming in after the murder of NCP leader Baba Siddiqui. NCP has cancelled all the party programs scheduled for today. So, Nitish, now NCP has cancelled all the programs that are the party programs scheduled for today. And what can you tell our viewers? Now, opposition is also targeting Eknath Shinde and his government. And they are demanding his resignation, and they are raising questions when it pertaining to law and order situation. Because, as you've rightly said, that this is such a this is the fourth incident that has taken place, and it's after he was upgraded to vice category security. After that, this incident took place. That's a major incident that has taken place. So now NCP has also cancelled party programs. What can you tell our viewers about that? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल रात को इस घटना के बाद अजीत पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी और पोस्ट किया कि उन्होंने काफी बेहद करीबी दोस्त जो है बाबा सिद्दीकी उनके उन्हें उन्होंने उनको खो दिया है। अब तो ऐसे में पार्टी में उनका एक कद था, काफी लंबे समय तक वो कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के तो इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था और ऐसे में अजीत पवार के बेहद करीब भी वो माने जाते थे। और ऐसी घटना के बाद आज अजीत पवार गुट के तरफ से, अजीत पवार की जो पार्टी है उनके तरफ से, वो सारे प्रोग्राम जो आज किए जाने थे वो कैंसिल किए गए हैं। और इसी के साथ जो है, क्योंकि पार्टी को एक भारी नुकसान हुआ है, पार्टी का एक कद्दावर नेता जो है उसकी हत्या कर दी गई है। और जिस तरह से इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट सरकार में भी शामिल है और सरकार में ही शामिल नेता जो है उनकी हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल और निशान खड़े करते हैं। और इसी के तहत जो विपक्ष के नेता है, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार हो, ये तीनों ही पार्टी जो है अब जमकर सीएम और डीसीएम एकनाथ शिंदे पर और देवेंद्र फडणवीस पर जो है हमला बोल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो पूर्व मंत्री थे, म्हाडा के चेयरमैन थे, बड़े बड़े पदों पर रहे थे, 3 बार के एमएलए रहे वो, और ऐसे में उनकी हत्या कर देना एक काफी चिंताजनक और हैरान करने वाली बात है। क्योंकि जहां अगर कोई सरकार में शामिल नेता अगर सुरक्षित नहीं है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो क्या आम लोग सुरक्षित है? क्या आम लोग मुंबई पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? तो इस तरह के जो सवाल है वो लगातार विपक्ष उठा रही है। जी ऑल राइट नीतीश, स्टे विद अस, अनदर डेवलपमेंट कमिंग इन।